जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनुसारी अश्वरी क्लासेज में। तो चलिए मैं आप लोगों को आज जीके जीएस का क्वेश्चन को बोझ बहुत महत्वपूर्ण पढ़ाने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न है कि मदर लव नामक समाचार पत्र का निर्देशन किसने किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मजहरुल हक ने मदर लव नामक समाचार पत्र का निर्देशन किया था, ऑप्शन नंबर बी। और दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, देवकी नंदन जी थे। मतलब बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे, तो देवकी नंदन जी थे। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। तीसरा प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। यानी कि प्रश्न ये कहता है कि पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी को बनाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों चौथा प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो किस लिए विश्व भर में प्रसिद्ध था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। किसके लिए दोस्तों, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय विश्व भर में प्रसिद्ध था। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। और दोस्तों पांचवा प्रश्न है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। चंपारण में जो नील आंदोलन हुआ था उसका राष्ट्रीय नेता कौन थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी का यह पहला आंदोलन था और इन्होंने आंदोलन की शुरुआत भी बिहार से ही किया था, चंपारण से। तो चलिए छठे प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। छठा प्रश्न है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। यानी कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में जो आंदोलन हुआ था उसी क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों के सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। चलिए सातवें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। और दोस्तों सातवां प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से प्रारंभ किया था। यानी कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से प्रारंभ किया था। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह बिहार से प्रारंभ किया था, लेकिन बिहार में कहाँ से प्रारंभ किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चंपारण से प्रारंभ किया था। जो तीन तिनकटिया मजदूर थे मतलब उन्हीं के लिए आंदोलन किए थे। चलिए आठवें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों आठवां प्रश्न है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। यानी कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गया में इसका अधिवेशन हुआ था। 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। चलिए दोस्तों नवा प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। और दोस्तों नवा प्रश्न है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी पहली राजधानी बनाया था, जो बंगाल के नवाब थे। चलिए दोस्तों दसवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों दसवां प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्य रूप से बना था। यानी कि पाटलिपुत्र में स्थित है चंद्रगुप्त मौर्य का महल किस से बना था, यानी किस मुख्य रूप से किससे बना था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का बना हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, तैयारी को मजबूत कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।